जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा नगर विश्वस्थली जिसे बसोहली के नाम से जाना जाता है। यहाँ की पेंटिंग जो है वर्ल्ड फेमस है और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। आज हम इसी पेंटिंग के बारे में आपको बताएंगे। संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और फॉलो करें हमारा फेसबुक पेज बसोहली हलचल और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मल्टी इन्फॉर्मेशन बाय अनिल। और इस वीडियो को जल्द से लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये पेंटिंग्स कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बेस्ट है। इस पेंटिंग्स के बारे में कुछ कहिए। पेंटिंग के बारे में सुंदर है और इसका काम बहुत बारीक करा हुआ है। उम्मीद ग्रुप से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? सर, उम्मीद ग्रुप से मैं 2014 में जुड़ी थी। इस जायदाती ग्रुप के अंडर मैंने बड़ा सारा वर्क किया है। जीआई टैगिंग के लिए जब वर्क गया था, उससे पहले जो G20 हुआ था उसमें मेरी काफ़ी सारी पेंटिंग गई थी। बड़ी सारी पेंटिंग इसमें मेरी सेल हुई है। इन्होंने फाइनेंशियली मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। और जो आज जो फेसिफ्लो इनका चल रहा है, इनके अंडर भी इन्होंने मुझे जहाँ बुलाया अपनी पेंटिंग को रिप्रेजेंट करने का, इन्होंने मुझे एक अच्छा मौका दिया। तो बसोहली पेंटिंग में क्या खासियत है? सर, बसोहली पेंटिंग इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस पेंटिंग। इसमें बड़ी सारी इसकी जो है क्वालिटीज़ हैं, इसमें इसकी जो ब्रॉड आइज़ है, जो दिखाइए आप सर, इसमें देख लीजिए, इसमें जो इसकी ब्रॉड आइज़ है, इसकी फिनिशिंग देखिए, इसका जो टच है फेस का, इसकी जो फिनिशिंग लाइन है, ये सारी चीज़ें जो है ये बसोहली पेंटिंग की एक खासियत है। दूसरा इसमें है, जो इसमें नेचुरल स्टोन कलर्स लगते हैं वो प्रॉपरली जयपुर से मंगवाए जाते हैं और उनको बाद में ग्राइंड करके उसमें इसमें ऐड किया जाता है। इसमें एक स्पेशल तरह की जो है एक स्पेशल गुंद बनाई जाती है गुंद तीरे से, तो उसमें इसको क्या है और भी शाइन आती है। उसके बाद इसको ग्रैनिश किया जाता है मार्बल पर, जिससे ये स्टोन कलर जो है और भी ब्राइट लुक देते हैं। जो नेचुरल कलर्स हैं वो किस चीज़ से बनते हैं? सर, नेचुरल कलर जो है, नेचुरल जो स्टोन है उससे बनते हैं। जो प्रॉपरली जो स्टोन है वो जयपुर में ही मिलता है। बात करें रेड कलर की, ब्लू कलर की। सर, रेड कलर जो है संग्रह है, ब्लू कलर जो है वो नीला नील से होता है, प्योरी है वो येलो कलर है। जो आप इसको गोल्डन टच देते हो, ये किससे देते हो? सर, ये प्योर गोल्डन होता है 24 कैरेट का, जो कप आता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है और इसमें मैक्सिमम हम गोल्ड और सिल्वर का ही यूज़ करते हैं। ये भी इसकी एक क्वालिटी है। तो पेंटिंग का प्राइस इससे बढ़ जाता है? जी सर, इससे पेंटिंग का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है नेचुरल हैं। अगर नेचुरल चीज़ें इसमें यूज़ होंगी तो वो कॉस्ट तो उनकी बढ़ेगी। तो मैक्सिमम रेट पेंटिंग का क्या रहता है? सर, मैक्सिमम रेट इसका 2-3 तरह से हम डिसाइड करते हैं। एक तो उसकी जो पेंटिंग का साइज़ है, उसमें कितनी फिगर है और उसमें कितना वर्क हुआ है, ये सारी चीज़ें मेज़र करने के बाद ही हम इसका प्राइस डिसाइड करते हैं। धन्यवाद।